Dear स्टूडेंट्स इन दिस module, we are गोइंग टू डिस्कस द problems इन forecasting पापुलेशन ग्रोथ Forecasting population ग्रोथ refers टू द यूज ऑफ डेमोग्राफिक डेटा एंड statistical मॉडल्स टू एस्टिमेट द फ्यूचर population ट्रेंड्स जब हम पापुलेशन की फोरकास्टिंग की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि जिनको शायद नहीं किया जा सकता सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन के ग्रोथ के ट्रेंड्स क्या हैं जिसमें फर्टिलिटी रेट देखा जाता है मोटेलिटी रेट देखा जाता है और माइग्रेशन पैटर्न्स देखे जाते हैं उस हवाले से अगर हम पॉपुलेशन के एग्जिस्टिंग पैटर्न्स की बुनियाद के ऊपर फ्यूचर को फ़ोरकास्ट करने की कोशिश करें कि मिसाल के तौर पर अगर एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन जो है वो एक ख़ास रेट से ग्रो कर रही है और माइनस हम उसके मोर्टेलिटी रेट को जो है वो माइनस करें और प्लस हम उसके जो माइग्रेशन के नेट रेट है उसको माइनस करें तो हम जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ को एस्टिमेट कर सकते होते हैं लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि पापोलेशन जो हैं वो एक स्टेडी या स्टेबल रेट के साथ जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज़ नहीं हो रही होती क्योंकि उनके अंदर बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको प्रडिक करना शायद बहुत मुश्किल काम होता है मिसाल के तौर पे कुछ नेचुरल कैलॉमिटीज़ की वजह से जो पॉपुलेशन के अंदर सडन डिक्लाइंस आते हैं जैसे कोई जलजला आ जाता है कोई ऐसी आफत आ जाती है सैलाब आ जाता है उसकी वजह से मैसिव लेवल के ऊपर जो है पॉपुलेशन के अंदर जो है वो डेथ रेट इंक्रीज हो जाता है इसी तरह से जो पॉलिटिकल स्नारी होते हैं उनकी वजह से जंग की वजह से जो है पापुलेशन के अंदर डेथ रेट इंक्रीज हो जाता है या माइग्रेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो किस तरह से आपके पॉपुलेशन के पैटर्न्स और ट्रेंड्स के ऊपर असरअंदाज होती है मिसाल के तौर पे किसी कंट्री के अंदर शदीद इकनॉमिक रिसेशन है तो भी कंट्री के बहुत से लोग जो हैं वो फिर प्रेफ़र करते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर माइग्रेट कर जाएँ तो माइग्रेशन का जो जब आउटफ्लो होता है तो भी आपके एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन के पैटर्नस uh, के अंदर जो है वो तब्दीली वाक़ होती है तो इसके बाद भी यानी जो आपकी फोरकास्टिंग होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है इसके साथ साथ जो बड़ी अहम चीज़ है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से पॉपुलेशन के एग्जिस्टिंग पैटर्नस हो, होते हैं कि जैसे कि डेथ रेट जो है वो एक स्टडी या स्टेबल डेथ रेट आ रहा होता है सडनली इन्वेंशन या इनोवेशन की वजह से ऐसी मेडिकल या हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं कि जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी इनक्रीज़ कर जाती है तो भी जो है फ्यूचर के प्रडिक्शन के ऊपर उसका असर पड़ जाता है इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ जिसको मद्दनज़र रखना होता है वो एक्यूरेट डेटा uh, की अवेलेबलिटी होता है अगर आपका डेटा अवेल एक्यूरेटली अवेलेबल नहीं है जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है जो आपको हिस्टोरिकल ट्रेंड्स और पैटर्न्स दिखा रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ के अगर उनमें किसी किस्म का फ़्लॉ मौजूद है तो वो आपकी फोरकास्टिंग को भी अफेक्ट कर सकता है सो इन पाकिस्तान द फोरकास्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ बीन आ मेजर चैलेंज ड्यू टू द फैक्टर सच एज़ लिमिटेड डेटा अवेलेबलिटी पोलिटिकल इंस्टेबलिटी एंड चेंजिंग सोशल एंड एकनामिक कंडीशन इसको हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिस पास के अंदर ख़ास तौर पर आफ्टर द सेंसस ऑफ नाइनटीन नाइनटी एट जो उसके बाद अगला सेंसस हुआ वो भी पॉलिटिक्स का शिकार हो गया उसके हवाले से बहुत से मसाइल पैदा हो गए और बहुत सी ऑर्गनाइजेशंस ने उन उसको चैलेंज कर दिया कि शायद इसके हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट नहीं है इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर वार ऑन टेरर की वजह से आई आए इंटरनली डिसप्लेस पीपल थे उनकी वजह से भी हमारी पापुलेशन के डायनामिक्स के अंदर जो है बहुत इफ़ेक्ट आया और इन एडिशन टू डेट जो पाकिस्तान में रिसेंट इकनॉमिक रिसेशन है उसकी वजह से भी हमारी पापुलेशन के डायनामिक्स के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है और ये ट्रेंड्स जो हैं वो हमें हमारे लिए फ्यूचर की प्रडिक्टबिलिटी को मुश्किल से मुश्किल बना रहे हैं सो द एक्यूरेट पॉपुलेशन ग्रोथ फोरकास्ट आर असेंशल फॉर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेटिंग रिसोर्स एंड एड्रेसिंग सोशल एंड इकनॉमिक ईशूज़ तो अगर हम एक्यूरेटली अपनी पॉपुलेशन को फोरकास्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसके बड़े इम्पैक्ट जो हैं वो हमारी प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग के ऊपर बरामद हो रहे हैं अगर हम हमारे पास ये स्टेटस्टिक्स जो हैं वो रिलायबल ना हो कि हमारी यूथ पॉपुलेशन कितनी है ख़ीन की तादाद क्या है पैदा होने वाले बच्चों की तादाद क्या है और इसके साथ साथ अगर हम इसको प्रडिक्ट कर सकें आने वाले पाँच दस पंद्रह बीस सालों के लिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या ट्रेंड्स और पैटर्नस होंगे तो हमारे लिए प्लानिंग जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है सो द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ फोरकास्टिंग रिक्वायर्स आ मल्टा डिसप्लिनरी अप्रोच इनकॉर्पोरेटिंग द प्रस्पेक्टिव फ्राम सोशियोलॉजी डेमोग्राफी एंड स्टेटस्टिक्स By analyzing the complexities of population growth forecasting, we can gain a deeper understanding of the ways in which social and economic factors influence the demographic trends. So, in a nutshell, this understanding can inform the policy decisions related to healthcare, education, and social welfare. In Pakistan, accurate population growth costs are critical for understanding and addressing the social issues such as. Poverty, health disparities, and resource allocation. So, problems in forecasting may arise due to data limitation, modeling error, unpredictable events such as natural disasters or political upheavals. So, food for thought for you is that recently, abhi uh, jo bhi available population census ka data, you analyze and analyze it. कि क्या ये पॉपुलेशन का जो एग्जिस्टिंग डेटा है ये हमारे लिए फ्यूचर की फोरकास्टिंग की पॉसिबिलिटीज़ पैदा कर सकता है और इस हवाले से जो एक्सपर्ट ओपिनियंस या रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं किस हद तक ये डेटा रिलायबल है और इसमें कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल फ्लॉज हैं जो फ्यूचर के अंदर आने वाले सेंसस के अंदर हम उनको मिटिगेट करके इस काबिल बना सकते हैं ताकि हम एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करके इसकी मदद से इफ़ेक्टिव पॉलिसी मेकिंग की तरफ जा सकें